हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून की बौछारों से राहत मिलने के आसार नहीं है। भले ही प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, बावजूद इसके सितंबर महीने में जमकर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 व 19 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। 20 सितंबर के बाद बारिश के इस क्रम से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि गत 24 घंटों के दौरान सोलन, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, शिमला व कांगड़ा में हल्की बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर के बाद बारिश के क्रम में कमी आएगी। 20 से 24 सितंबर तक मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 1 जून से 18 सितंबर तक -18% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊना व हमीरपुर में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बात करें शिमला जिला की तो शिमला में मॉनसून में सबसे अधिक मेघ बरसे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आमतौर पर मॉनसून 24 सितंबर के बाद रुखसत होता है। 24 घंटों में प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर और कांगड़ा है, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे अधिकतम बारिश थी वो जुबरहट्टी एयरपोर्ट में शिमला में 46 एमएम के आसपास दर्ज की गई थी। वहीं मंडी और कसौली में भी 40 एमएम के आसपास बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स भी बीते रात को इन क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। आगामी 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 18 तारीख को, कल 19 तारीख को प्रदेश के जो प्लेन क्षेत्र हैं हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं सिरमौर, शिमला है, सोलन, मंडी और कांगड़ा, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए 18 और 19 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर 20 तारीख से प्रदेश में वेदर में काफ़ी कमी आएगी और इसके चलते जो केवल जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वहीं एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। और मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून की जो ओवरऑल रेनफॉल है 1 जून से लेकर अभी तक, वो देखिए जो एक्चुअल रेनफॉल है उससे -18% है, जो कि सामान्य की श्रेणी में ही आती है। इसमें 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना और हमीरपुर, जहाँ सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ सामान्य के आसपास ही बारिश दर्ज की गई है। और सीजन की बात करें तो अब तक डिस्ट्रिक्ट शिमला में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। और सितंबर माह की बात करें तो ओवरऑल सामान्य ही बारिश दर्ज की गई है, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, लाहौल स्पीति, चंबा, जहाँ सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। और देखिए मॉनसून की जो नॉर्मल विड्रॉल डेट है वो 24 सितंबर है और इसमें मतलब इस सीजन की जैसे ही कंडीशन बनेंगी विड्रॉल की तो यहाँ हमारे यहाँ केंद्र से अपडेट जारी किया जाएगा।